लोगों का सियासी इत्र। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, लेकिन आज विश्लेषण में मैं आपके लिए सिर्फ आंकड़े लेकर आया हूं। इत्र लोक के माया जाल का विश्लेषण, एक ऐसा विश्लेषण है जिसको पढ़ने से पहले मुझे भी बोलने से पहले मुझे चार बार पढ़ना पड़ा। इतने जीरो हैं कि मैं खुद हिल गया इन जीरो को बताते, हिल रहा हूं इन जीरो को बताते बताते। इत्र लोक के माया जाल का विश्लेषण में जो कैश निकला है वो है 257 करोड़ 257। जीरो नंबर एक, जीरो नंबर दो, जीरो नंबर तीन, जीरो नंबर चार, जीरो नंबर पांच, जीरो नंबर छह, जीरो नंबर सात, इतने जीरो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक बारी में कि 257 करोड़ रुपए लिखने के अंदर। लेकिन ये निकला है कैश, ये तस्वीर आपको दिख रही है, इतना कैश निकला कि मशीनें गर्म हो गई, मशीनों को रेस्ट देना पड़ा। सोना 23 किलो, चांदी 50 किलो, चंदन का तेल आमतौर पर मिलता नहीं है, लेकिन यह भी 600 लीटर निकल के आया है क्योंकि परफ्यूम जो बनते हैं इससे। नोट गिनने की मशीन थी 8 मशीनें, नोट गिनने में समय लगा 17 घंटे। कितने बॉक्स में नोट गए? 21 बॉक्स के अंदर। लखनऊ से बुलाए गए आर्किटेक्ट और इंजीनियर की दीवारों में भी है जरा, दीवारें और जो टायर्स होती हैं उनको ऐसे नॉक करके देखे कि इसमें पैसा है कि इसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है, नोट भरे कि सीमेंट भरा हुआ है। दिलचस्प नजारा था अपने आप में। ये जो इत्र लोक का माया जाल है, वाकई ये माया जाल है। 257 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरजमी पर उत्तर प्रदेश के कानपुर से कैश निकलता है और हमारे देश में गरीबी है। और जब इन पर आईटी रेड बढ़ती है तो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आईटी रेड क्यों बढ़ रही है इन पर, ये पीयूष जैन के पास किसका पैसा था, ये देश सवाल पूछेगा आने वाले समय के अंदर। 257 करोड़ रुपए कहां से आए? छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इसी कारोबारी ने बनाया था समाजवादी इत्र, ये लगातार इन पर आरोप लग रहा है। मेरे साथ आज बात करने का कौन है? मेरे साथ संबित पात्रा है, मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ शिवम त्यागी है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ एमएच खान है प्रवक्ता बीएसपी के। और जब से मैंने बोला मैं ये कार्यक्रम करने जा रहा हूं तो मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पर लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, अमीश जी हम अपने बच्चों की पढ़ाई किस स्कूल में कराएं ना कराएं, उसकी फीस 1700 रुपए है तो हम नहीं दे पाते, उसकी फीस अगर 1200 रुपए तो हम दे सकते हैं, हम तो 500 रुपए के लिए अपने बच्चे का स्कूल बदलवा लेते हैं। यकीन मानिए मैं सच्ची कहानी आपको बता रहा हूं, 500 रुपए के लिए अपने बच्चे का स्कूल बदलवा लेते हैं। लेकिन यहां पर 257 करोड़ निकल के आ रहा है और कोई कुछ नहीं बोलेगा इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि आर पार जनता जनार्दन का शो है, आपसे बना है, आप पर निछावर है, इसलिए आज ये मुद्दा मुझे लगता है बेहद जरूरी है। और मैं तमाम नेताओं से आज एक ही सवाल पूछता हूं, 257 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? ये बोलने से पहले भी इनकी जुबानें लड़खड़ा जाएगी, लेकिन निकल के आए हैं। संबित पात्रा, अनुराग भदौरिया, एमएच खान, आप तीनों नेता और एक राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ। अनुराग भदौरिया, आपसे मेरा सीधा सवाल है, 257 करोड़ का जो यह माया जाल है, यह सब इत्र का कमाल है? आपको लगता है इत्र बेच के इतनी कमाई करी जा सकती है? एक तो पहली बात मैं आपके चैनल पे ये क्लियर कर दूं कि आप झूठ तो कम से कम मत बोलिए, दो लोगों में बहुत अंतर है। आप पीयूष जैन की बात कर रहे हैं या पंपी जैन की बात कर रहे हैं? पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, पीयूष जैन नहीं है, ये पीयूष जैन भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि देश के अंदर में नोटबंदी लगा रहे हैं, काला धन खत्म हो जाएगा। ये पीयूष जैन के घर से निकला हुआ एक एक नोट चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, आपका जो स्कीम थी नोटबंदी फेल है, फेल है, फेल है, हम तो जिंदा हैं, काला धन तो यहाँ है, इसके मतलब आपकी नोटबंदी का क्या असर है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि किसी के यहाँ इतना बड़ा नोट का जखीरा रखा हुआ है तो सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं सरकार ने उसको पहले ही पकड़ लिया होता? ये सरकार वो है जो सरकार अपनी नाकामी, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों में डालती है। ये एड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड, एक एड है शिखर पान मसाले का, जिसमें क्या लिखा जा रहा है पता है? सबका साथ सबका विकास, शिखर पे भारतीय जनता पार्टी,
ये रहा, उसके यहाँ भी रेड है, रेड पड़ी है। ये देखिए एड, जूम करके दिखा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एड है और भारतीय जनता पार्टी का शिखर पान मसाला उसका एड लगा रहे हैं। जब हम लोगों ने इसको ट्रैक कर लिया, इसको रिट्यूट करना शुरू किया तो उन्होंने डिलीट कर दिया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी सीधी इन्वॉल्व है शिखर पान मसाले में, और इस तरह के जो 257 करोड़ रुपए मिले। अनुराग जी, अगर आप अपनी वाणी को विराम देंगे, अनुराग आपने बोला कि इस कारोबारी का, आपने बोला इस कारोबारी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो दूसरे किसी और के यहाँ पे रेड पड़ी, शिखर के यहाँ पर रेड पड़ी, उसका भी कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी का है। तो मुझे एक बात बताइए अनुराग भाई, अखिलेश जी तो इतने बड़े नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों पर रेड डाल रही थी तो इसमें अखिलेश जी परेशान हो रहे थे, आपकी पार्टी परेशान हो रही थी? आप ही कह रहे थे मेरे कार्यक्रम में आकर कि देखिए बीजेपी डर रही है और आईटी रेड कर रही है। अब आप मुझे बताइए, ये पीयूष जैन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है, जो आपका आरोप है, सुनिए इत्मीनान से सुनिए। देखिए पब्लिक का मजाक मत उड़ाइए इस सब पूरी बात के अंदर। देखिए मैं बहुत सीरियसली इस बात को आपको कह रहा हूँ। एक सेकंड अनुराग आप सवाल इत्मीनान से सुने, मेरा निवेदन स्वीकार करें। आज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पूरी डिबेट में उहा पोह मचे, कोई शोर मचाए। देखिए इस देश की जनता बड़ी मेहनती जनता है, इस देश का युवा रात दिन मेहनत करता है और अपने घर में अपने बच्चों का उद्धार करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है अपने परिवारों को। लेकिन 257 करोड़ पर लगते हैं तो आप कह निकलते हैं तो आप कह रहे हैं कि इसका नाता भारतीय जनता पार्टी से था। मैंने आपकी बात को ऊपर रखा। अब आप मुझे बताइए, जो चार दिन पहले आप बात कह रहे थे कि बीजेपी डरी हुई है और हमारे लोगों पर छापे मार रही है, वो बात इसका मतलब झूठी थी, या तो ये झूठ है या नहीं तो वो झूठ था। बताइए, चुनिए, अरे एक दिन को चुनिए आप। मैंने आपके चैनल पे बोला था, अरे बोलने दो जा, मैंने आपके चैनल पे बोला था तब जब समाजवादी के यहाँ पे रेड पड़ी थी, समाजवादी के प्रवक्ता के यहाँ रेड पड़ी थी, सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी प्रवक्ता के यहाँ रेड पड़ी थी तब ये बात हुई थी। उसके बाद ये जो रेड पड़ी है इसमें समाजवादियों ने कभी नहीं कहा। क्यों इन सब क्या भी रेड कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे पहुंचाने वाले, शिखर पर मसाला से लेकर ये सपा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी, उस दिन सपा के थे, आज सपा के नहीं है। अरे सपा के नहीं, आज सपा के नहीं है, क्योंकि सपा भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठी नहीं है। तो आज फिर उस दिन गलत बोला गया, जनता के सामने आ गया तो भारतीय जनता पार्टी डरी डरी घूम रही है और समाजवादियों पे धोखा खाती है। उस दिन गलत बोला गया, उस दिन बोला, उस दिन, उस दिन देखिए एक ही बात सही होगी ना, या तो ये आपके हैं या तो ये आपके नहीं हैं। आप दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। समाजवादियों के यहाँ रेड डाली थी तब ये बात हुई थी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के यहाँ रेड पड़ी थी तब ये बात हुई थी, जहाँ पे आपको 17,000 रुपए मिले थे। सुन लीजिए, लेकिन मतलब उस दिन आपकी बात गलत थी ना, सिर्फ समाजवादियों को घेरा जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके यहाँ रेड कर रहा था, जो पकड़ा जा रहा था मुझे बोलने तो इसका दो। मतलब तो वही है, नहीं आप खुद में बोलने दे रहा हूं। ये बताइए, आप क्या ये बोल रहे हो, तो इतना आप क्या बोल रहे हो वो तो सोचिए। हाँ, सोच लिया मैंने। मैंने कहा जब समाजवादी के यहाँ इन्होंने जबरदस्ती 1700 रुपए लेके आए थे ना, क्या इतने में उनका पैसा कॉस्ट निकल गई थी जो वहां रेड मारने गए थे माहौल बनाने के लिए? मात्र 17,000 रुपए लेके आए थे, तब हमने कहा था कि ये गलत रेड हो रही है। आज जब यहाँ पे जखीरा मिल रहा है, काले धन का जखीरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, ये काला धन कैसे आ गया? नोटबंदी के बाद काला धन कैसे आ गया? ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए वाला निकला वो तो आपका, जो 257 करोड़ रुपए वाला निकला वो मेरा नहीं है। लेकिन उस दिन रेड बीजेपी के इशारे पे हो रही थी, लेकिन पकड़े बीजेपी के लोग जा रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। समाजवादी इसको चाय की दुकान पे मजाक में भी किसी को बोलेंगे तो वो मानेगा नहीं। पार्टी का काला धन है ये। अनुराग मैं अब आपको मैंने भरपूर वक्त दिया अपनी बात को रखने का। अनुराग जो आप लॉजिक दे रहे हैं, इसको चाय की दुकान पर, वो जो शर्मा चाय वाला है लखनऊ में, उसकी दुकान के बाहर भी कोई इस लॉजिक को मानेगा नहीं। अनुराग या तो आप इस बात को समझाइए अच्छे से।